हाय एवरीवन, बस एक रैंडमली एक वीडियो बना रही हूँ यार। अभी मैं यूट्यूब देख रही थी तो उसमें एक बच्चा है जो फरहान करके उनका नाम है, उन्होंने ही हैज़ गॉट 680 मार्क्स आउट ऑफ 700 जो नीट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें। तो जो अलक पांडे सर जो है वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे उसमें कि किस तरीके से उनकी क्या जर्नी रही है, उन्हीं के फिज़िक्स वाला ऐप से उन्होंने करा है। तो उसमें वो बच्चा बोलता है कि किस तरीके से उसने पढ़ाई करी है, उसने इमरजेंसी लाइट जो होती है उसके सामने बैठ के उसने पढ़ाई करी है। एंड वो काम भी करता था, एम्ब्रॉयडरी का कुछ काम करता था वो उसमें, वो सब भी करके और पढ़ाई भी करी है। तो कैन यू गाइज इमेजिन, आपके और मेरे पास क्या एक्सक्यूज़ है पढ़ाई नहीं करने का। यार सच में मैं बताऊँ, मेरे आंखों से आंसू आ गए जब मैंने वो उनका वो सुना कि डिफाइंग द ऑड्स किस तरीके से उनने पढ़ाई करी है। बोला कि मेरे पास नेट भी नहीं होता था तो, और घर में एक फ़ोन था उनके पास और वो भी पापा ने उनको दिलाया बिकॉज ही वॉज हैविंग सम 4000 फीस टू पे इन दी जो ऐप था उसमें। तो किस तरीके से पढ़ाई करी है यार, किन सर्कमस्टेंसेस में पढ़ा है उसने, 680 मार्क्स ही हैज़ गॉट, नॉट अ जोक। तो बहुत ही ज़्यादा यार सही, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लगा। उसके मम्मी पापा कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी, उसने बोला था कि रात में पढ़ता था, सुबह में पढ़ता था, जब भी टाइम मिलता था पढ़ाई करता था यार। एंड थैंक यू सो मच अलक सर, आप जिस तरीके से आप, मैंने हालांकि उनसे पढ़ा नहीं है कभी भी, मुझे ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में, बट तब भी जिस तरीके के वो इंसान है, उनने बोला उनको कि ही विल सपोर्ट हिम, चाहे उनका कोई भी कॉलेज लेना होगा तो इन दैट थिंग ही विल सपोर्ट हिम, हॉस्टल की फ़ीस हो गई या फिर जो भी कुछ करना है। तो ऑब्वियसली ऐसे बच्चों को यार सपोर्ट करना चाहिए, बट इतने ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं हमारी कंट्री में। आई वॉज अमेज्ड। आपके और मेरे पास क्या रीज़न है पढ़ाई नहीं करने का, आप मुझे बताओ। किन किन सर्कमस्टेंसेज में लोग पढ़ाई करते हैं, कैसे कैसे हालात से जूझ के लोग पढ़ाई करते हैं, दैट्स आई मीन आई कॉन्ट इवन, इनएक्सप्लिकेबल। मुझे यार वो स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि यार जब ऐसे छोटा बच्चा यार 12th अभी वो कर रहा है, ही हैज़ गॉट 680 मार्क्स। एंड अलग सर जैसी पर्सनैलिटी यार, वो अभी उनकी कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है एंड आई थिंक ही डिज़र्व दैट बिकॉज जिस तरीके से मतलब वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं और जितना क्वालिटी कंटेंट वो देते हैं, जो कि आजकल के बच्चों के लिए आई थिंक इट्स अ बिगेस्ट गिफ्ट दैट एनीबडी कैन गेट। सो यू गाइज ऑल्सो टेक द बेनिफिट एंड आई डोंट थिंक आप हमारे लिए कोई, हमें तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, हम तो इतने अच्छे एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, हम लोगों को तो इमरजेंसी लाइट्स में नहीं पढ़ना होता है, बट तब भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्या एक्सक्यूज़ है आपके और मेरे लिए बताइए मुझे। एंड थैंक यू सो मच अलग सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर हेल्पिंग दीज पीपल। सही में यार, अल्लाह बोलो या भगवान बोलो, जो भी है जिन्होंने उनको इतना कुछ दिया है, इट्स बिकॉज ऑफ हिज ऑथेंटिसिटी, या फिर जिस मैं बोलूँगी जो भी उनमें है, जो वो जिस तरीके से वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की और इतना अच्छा कंटेंट देते और स्टूडेंट्स भी इतने मेहनती, इस तरीके से यू नो इतने ऑड्स होने के बावजूद वो इतना कुछ कर जाते हैं, आई एम रियली यू नो, मुझमें तो यार बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था वो। मेरे पास है, आपके पास तो हज़ारों एक्सक्यूजेज़ नहीं होंगे नहीं करने के, बट ही डिफाइड द ऑड्स एंड ही डिड इट, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।